उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में माघी पूर्णिमा पर स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 लोग घायल हुए हैं। वहीं घटना पर सीएम योगी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों को समुचित इलाज के लिए निर्देश दिए हैं, जबकि मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही है। सीएम योगी ने घटना पर तत्काल अधिकारियों के पहुंचने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों की माने तो मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। फिलहाल घायलों को अस्पताल भी भेजा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर उमेश गोस्वामी हमसे जुड़ चुके हैं। उमेश, कासगंज में बेहद ही दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु निकले थे ट्रैक्टर ट्रॉली से, जिनमें 15 की अभी तक मौत हो चुकी है। बिल्कुल नया, देखिए आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा है और ये कहीं ना कहीं लापरवाही भी है, क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात के निर्देश देते आए हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोगों को नहीं ढोया जाएगा, सवारियों को नहीं ढोया जाएगा। आपको याद दिला दें कि घाटमपुर में अब से कुछ दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ था, उसमें भी कई लोगों की जान गई थी और उसके बाद साफ तौर पर निर्देश निकाले गए थे कि अगर इस तरह से कहीं भी ट्रैक्टर ट्रॉली से सवारियां ढोते हुए मिलती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती है। कासगंज में ये बड़ा हादसा हुआ है, गंगा नहाने श्रद्धालु जा रहे थे और इस दौरान तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है और हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 7 बच्चे शामिल है, कई महिलाएं भी शामिल है। हालांकि राहत बचाव कार्य जारी है और रेस्क्यू टीम वहां पर लगातार और बाकी लोगों को खोजने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे और गंगा स्नान को जा रहे थे। तो ये निश्चित तौर पर बड़ा दुखद हादसा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है, घटना पर दुख प्रकट किया है, शोक प्रकट किया है। जो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, उनके लिए शोक जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर यह भी बेहद जरूरी है और ये भी बेहद कड़े निर्देश जो दिए गए थे उनको जिस तरह से फॉलो नहीं किया गया, कहाँ पर चूक हो रही है इस पर बिल्कुल उमेश, कड़े निर्देशों के बावजूद भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं लोग, ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारी बैठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर होता है कि जगह जगह भी ट्रैफिक पुलिस मौजूद होती, क्या वो रोकने टोकने का प्रयास नहीं करते हैं? देखिए बिल्कुल नया, इस तरह की जब निर्देश जारी किए गए थे, मैंने जैसे जिक्र किया घाटमपुर हादसे का, उसके बाद जरूर अभियान चलाया गया और कई ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज भी करने की कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीते मामला ठंडा पड़ता चला गया और वापस अपने धरने पर व्यवस्था लौट आई, जिसकी वजह से एक बार फिर, और इसके बाद एक और घटना हुई थी, वो बहराइच में हुई थी, उसमें भी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी थी और 3 से 4 लोगों की उसमें मौत हुई थी। अब ये कासगंज का जो हादसा है, फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर जो नजर बनी हुई है, शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर हैं और जो निकाले गए हैं, जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन इन सबके बीच फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए, उन्होंने मुआवजे का ऐलान भी किया है। हालांकि ये जांच की जाएगी, एसपी मौके पर पहुंचे थे, सीएम मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ जी उमेश, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कासगंज की, जहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बेहद दर्दनाक हादसा हुआ और इस हादसे में 7 बच्चे 8 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि 30 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि यह हादसा रिवाजगंज पटियाली मार्ग पर गढ़ई गांव के पास हुआ, जब ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर श्रद्धालु माघ पूर्णिमा में गंगा स्नान को जा रहे थे, तभी सड़क पर एक कार को बचाने के दौरान ट्रैक्टर असंतुलित होकर तालाब में गिर गया, जिसमें 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और ये बताया जा रहा है कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली में 30 लोग सवार थे। फिलहाल लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। देखिए थाना क्षेत्र पटियाली में आज मॉर्निंग में ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि एक श्रद्धालु जो है वो ट्रॉली से जा रहे थे और उनकी ट्रॉली जो है वो डिसबैलेंस होकर खंती में गिरी है, ऐसी एक सूचना प्राप्त हुई। तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और जो यहाँ पे ग्रामीण हैं उनकी सहायता से जो लोग नीचे गिर गए थे ट्रॉली से, और क्योंकि यहाँ पे पानी भी था, उनको तत्काल प्रभाव से निकाला गया है और तत्काल उनको अस्पताल भिजवाया गया है। इस
दुखद घटना में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग अराउंड 14 से 15 लोगों की मृत होने की सूचना है और बाकी जो लोग थे उनको सभी को तत्काल प्रभाव से